उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर से राम मंदिर और राम जन्मभूमि के आसपास मंडराने लगी है। राम मंदिर के आसपास की जमीन खरीदने के कथित घोटाले को लेकर अब राजनीति जोर पकड़ने लगी है। बसपा सुप्रीमो मायावती के बाद अब कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने भी इस मुद्दे पर केंद्र की बीजेपी सरकार के साथ साथ यूपी की योगी सरकार पर भी हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई तरीके के आरोप योगी सरकार पर लगाए। उन्होंने कहा, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराए जाने की जरूरत है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, अयोध्या में राम मंदिर के नाम पर अनगिनत लोगों की आस्था के साथ धोखा हुआ है। उन्होंने कहा कि दलितों की भूमि पर कब्जा करने के साथ ही कम मूल्य पर खरीदी गई जमीन महंगे दाम पर ट्रस्ट को बेची गई है, इसलिए पूरे प्रकरण की उच्चतम न्यायालय से जांच होनी चाहिए। पूरे देश ने, देश के तकरीबन हर घर ने, गरीब परिवारों ने, महिलाओं ने जो बचत की थी उसमें से भी सब ने चंदा दी है इस ट्रस्ट के लिए, और एक अभियान भी चलाया गया था चंदा इकट्ठा करने के लिए। घर घर गए, चंदा इकट्ठा किया। ये सबकी आस्था है और इस पर आज चोट पहुंचाई जा रही है। जो सुरजेवाला जी आपको फैक्ट्स इसके बाद सुनाएंगे, इससे स्पष्ट है कि तीन चीजें हुई हैं। एक, दलितों की जमीन जो खरीदी नहीं जा सकती थी वो खरीदी गई है, हड़पी गई है। दूसरा, कि कुछ जमीनें जो कम दाम की थी इस तरह से बेची गई कि ट्रस्ट को बहुत ज्यादा पैसों के लिए बेची गई। इसका मतलब है कि जो चंदा का पैसा है उसके साथ घोटाला किया गया है, भ्रष्टाचार किया गया है। आप बताइए, कोई जिला अधिकारी मेयर पे जांच कर सकता है? और ये जो ट्रस्टी हैं, ये राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, इस पर कोई जिला अधिकारी की किसी से, आप यूपी आइए और मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कोई जिला किसी भी जिला अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि वो बड़े ऐसे इतने बड़े सरकारी पद पे जो बैठे हैं उन पर जांच की जाए। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली ये जांच इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ कहना है, इस मामले को निपट लिया और आगे बढ़े, लेकिन ये बहुत बड़ा मामला है। आपको बता दें, इससे पहले 22 दिसंबर को भी आपके यूपी प्रभारी संजय सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योगी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद योगी सरकार ने भी मामले में जांच के आदेश दिए और 7 दिन में रिपोर्ट भी मांगी है। अपर मुख्य सचिव मनोज सिंह के नेतृत्व में ये जांच की जाने की बात सामने आई है। पूरी जानकारी सिद्धार्थ नाथ सिंह ने दी। ये जो जमीन का घोटाला में ही खरीदा, ऐसे क्यों है? देखिए, जो भी अयोध्या के अंदर अवैध तरीके से जो चीजों की न्यूज में आया उसको लेते हुए मुख्यमंत्री जी को कल जैसे ही पता चला तुरंत उन्होंने कार्रवाई के ऑर्डर्स कर दिए हैं। एक अपर मुख्य सचिव के तहत एक कमेटी गठित करते हुए और 7 दिन में उसकी रिपोर्ट मांगी है। और मैं इतना स्पष्ट कर देता हूं कि कोई भी अवैध काम हुआ होएगा अयोध्या के जमीन के ऊपर तो उस पे सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये इस सरकार की, योगी सरकार की प्रतिबद्धता अयोध्या के लिए नहीं है, पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश के लिए है। पिछले 5 साल में यही ट्रैक रिकॉर्ड योगी जी का है। हालांकि राज्य में योगी सरकार की ओर से जांच कराए जाने की बात पर भी प्रियंका गांधी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, हाँ, यूपी सरकार एक जांच आयोग आरोपों की जांच के लिए बनाने की बात कर रही है, लेकिन इस जांच का नेतृत्व कौन करेगा? ये अधिकारी जिला कलेक्टर के लेवल के होंगे। जो भी हो, पर ये तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि यूपी विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से राम मंदिर का मुद्दा गरमा चुका है। अब देखना है योगी सरकार इस आरोपों से किस तरीके से बचती है।